कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI कार्यकर्ताओं ने शहीद दुर्गामल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला के गेट पर कॉलेज प्रशासन का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। पूर्व NSUI विधानसभा अध्यक्ष सावन राठौर ने कहा कि BA और BSc प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को जिन्होंने सितंबर में प्रवेश लिया था, किसी कारणवश उनकी शुल्क जमा करने में विलम्ब हो गया था, परंतु कई दिनों से वह छात्र शुल्क जमा करने के लिए कॉलेज के प्राचार्य के पास प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं, परंतु उनको आजकल करते करते कॉलेज प्रशासन द्वारा गुमराह किया गया है और अब एक महीने से अधिक हो गया अभी तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया, जिस कारण छात्रों का प्रवेश महाविद्यालय में नहीं हो पा रहा है। कुछ छात्र हैं प्रथम वर्ष के जिन्होंने अभी प्रवेश लिया था और उनका जो फीस सबमिट का, उनका वेरिफिकेशन वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। उनका जो फीस सबमिट का था वो अभी तक हुआ नहीं था, किसी कारणवश उनका कोई पारिवारिक कारण रहा होगा कि जिसकी वजह से वो फीस नहीं जमा कर पाए, एक दिन लेट हो गए थे। उसके बाद से उनको बच्चों को घुमाया जा रहा है कि ये कर, आप ये एप्लीकेशन लिख के लाओ, कभी कुछ लिख के लाओ, पर उनकी अभी तक फ़ीस सबमिट नहीं, एक महीना होने को जा रहा है। और उसकी नाराज़गी को लेकर आज NSUI ने, जब वो छात्र NSUI के पास आए, NSUI को पता चला इस मामले का, तो NSUI ने प्रिंसिपल से बात करी, प्राचार्य कह रहे कि अब इस कॉलेज में फीस सबमिट नहीं होगी। तो अगर ये चीज़ अगर एक दिन वो उसी दिन अगले दिन ही बता देते छात्रों को तो एक महीना परेशान नहीं होता। तो उसने आज उस नाराज़गी को लेके कॉलेज प्रशासन का NSUI ने पुतला फूका है और मांग करती है कि NSUI मांग करती है कि उन छात्रों का जल्द से जल्द फीस सबमिट करें, वरना यहाँ पे धरना देंगे हम, हो सकेगा तो हमें आमरण अनशन पे बैठना पड़े, तो आमरण अनशन पे खिलाफ बैठेंगे। पीड़ित छात्रों ने NSUI छात्र नेता हिमांशु के पास आए और अपनी समस्या बताई, तब जाकर NSUI छात्र नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार से बात करने गए, परंतु प्राचार्य ने बात करने से मना कर दिया। छात्रों हित की अनदेखी होने से नाराज बर्ताव NSUI कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन किया, कॉलेज गेट में ताला लगाकर धरना दिया, तब जाकर कॉलेज प्राचार्य द्वारा छात्रों की बात सुनी गई और उन्हें एक दिन का परीक्षा शुल्क जमा करने का समय देने का आश्वासन दिया। डोईवाला से आरती वर्मा, टीम N भारत।